फाइनली हम आ चुके हैं लाइव में और आज आपको हम बताने वाले हैं आज के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट साथ ही आपको बताएंगे आपको आपके स्टेट की जॉब्स यानी कि आप किस स्टेट में रहते हो आप अपने स्टेट का नाम साथ ही आप किस क्लास में हो लाइव में कमेंट करना मैं आपको आपके स्टेट की जॉब बता दूंगा ठीक है तो आप लोग का जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हो आप एक मिनट सो so, तेरा लोग देख रहे हैं फिलहाल तो आप लोग जिस भी स्टेट से हो अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दो साथ ही आप किस क्लास में हो ये भी कमेंट कर दो मैं आपको आपके स्टेट की जॉब बता दूंगा ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पे पहली वैकेंसी जो आई है वो आपको आई है पशुपालन विभाग से ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जैसा कि आप देख रहे हो आप इस ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप में आपको इंडिया में आने वाली सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिल जाएंगी आप चाहे कहीं भी रहते हो किसी भी स्टेट में रहते हो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो आपके स्टेट में जब भी कोई वैकेंसी आएगी या फिर केंद्र सरकार की जो भी वैकेंसीज आएंगी आपको इस ग्रुप में पता चल जाएंगी जैसा कि आप देख सकते हो इस ग्रुप में ऑलरेडी एक लाख तेईस लाख जुड़े लोग हैं एक लाख तेईस हज़ार लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से क्यों क्योंकि इसमें आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वैकेंसीज की गवर्नमेंट जॉब्स के हंड्रेड परसेंट रियल वाले उन सब की अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाती हैं तो आप ज़रूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जैसा कि आपको मैंने बताया आप अपने स्टेट का नाम साथ ही आपका क्वालिफिकेशन क्या है आप वो कमेंट कर दो और वेट करो मैं आपको आपकी स्टेट की जॉब इस वीडियो में बता दूंगा मैं आपको सबसे पहले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट दे देता हूँ जैसा कि आप देख रहे हो टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पशुपालन विभाग की वैकेंसी का अपडेट दिया हुआ है और देखो यहाँ पे अप्लाई लिंक भी हम दे देते हैं सीधा वेबसाइट का लिंक कोई वीडियो का लिंक नहीं सीधे वेबसाइट का लिंक हम दे देते हैं यहाँ पे ताकि आप वेबसाइट पे जाकर वैकेंसी का डिटेल्स पढ़ो दो सेकंड में पाँच सेकंड में दस सेकंड में और फॉर्म को वहीं से भर दो हुँ? तो ये भी बेनिफिट है आपको टेलीग्राम ग्रुप का सेकेंड वैकेंसी देखो जो है वो आपको है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज जहार की और यहाँ पे अठारह क्लर्क स्टीनो व अन्य काफी सारे पदों पर वैकेंसी आई है जिसके लिए बारहवीं पास या फिर डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे सैलरी काफ़ी अच्छी है कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी की बात करें तो देखो अगली वैकेंसी है जी एम आर सी यानी कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से यहाँ पे आपको मेट्रो रेल वैकेंसी है और यहाँ पे तेरह असिस्टेंट बैक ऑफिस के पोस्ट हैं जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं सैलरी कम है यहाँ पे बारह हज़ार रुपये पर मंथ की एक्सपीरियंस नहीं चाहिए मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ये गुजरात की वैकेंसी है तो केवल गुजरात वाले ही अप्लाई करेंगे अदर स्टेट से इसके लिए फॉर्म नहीं भरा जा सकता है अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको है यूपी से यूपी की बिजली विभाग की वैकेंसी है शॉर्ट में मैं बता दूं आपको समझाने के लिए यूपी की बिजली विभाग की वैकेंसी है और यहाँ पे 125 असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के पदों पर वैकेंसी आई है जिसके लिए बीटेक वाले अप्लाई करेंगे सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है नो एक्सपीरियंस है ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी देखो हमारे ग्रुप में जो है वो है आपको काफ़ी अच्छी बहुत लोग इस जॉब को ढूंढते हैं यहाँ पे पोस्ट है कस्टमर केयर की कस्टमर केयर होता है ना और ये कस्टमर केयर आपको एयरपोर्ट का है दिल्ली में एयरपोर्ट है उसमें पोस्टिंग मिलेगी कस्टमर केयर का जॉब है यहाँ पर और इसके लिए एक हज़ार पंचानवे कस्टमर केयर की के पोस्ट है जिसके लिए बारहवीं पास अप्लाई करेंगे सैलरी मिलती है पंद्रह से पच्चीस हजार की एक मिनट ये इतने कॉल्स आने लगते हैं मैं डीएनडी में डाल देता हूँ अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं लाइव हूँ तो प्लीज़ कॉल ना करें अदरवाइज लाइव में डिस्टर्ब होता है ठीक है तो देख लो ये आईजीआई एविएशन की वैकेंसी है जिसके लिए बारहवीं पास अप्लाई करेंगे सैलरी मिलेगी पंद्रह से पच्चीस हज़ार रुपये की ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल व फी मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल के लिए देखो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ग्रुप में टेलीग्राम का कैसे जाना है डिटेल्स आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो क्रोम में खुल जाएगा खुल गया देखो क्रोम में अब यहाँ देखो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स दिए हुए मिल जाएंगे आपको नीचे जाओगे तो देखो टेबल में शॉर्ट डिटेल्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे क्या है कंपनी का नाम है आई एविएशन पोस्ट है यहाँ पे एक हज़ार पंचानवे कस्टमर केयर की के, इसके लिए बारहवीं पास अप्लाई करेंगी सिलेक्शन बेस्ड होगा रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू पर जॉब टाइप है ये प्राइवेट जॉब है सैलरी मिलती है पंद्रह से पच्चीस हजार की आयु सीमा है मैक्सिमम तीस साल जॉब लोकेशन रहेगी पूरे इंडिया में लेकिन यहाँ पे दिल्ली में आपको पोस्टिंग मिलेगी ठीक है ऑल इंडिया से लोग फॉर्म भर सकते हैं लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का उनतीस अप्रैल से बाईस में है इसका लास्ट डेट कल ही है ठीक है तो जरूर से अगर अप्लाई करना होगा तो आज फॉर्म भर लेना या फिर कल पक्का भर लेना और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने दे दी अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में ठीक है तो आपको सिंपली देखो सारा डिटेल्स यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है जनरल के लिए आयु सीमा कितनी है ओबीसी के लिए कितने से कितने तक कि है 18 से 33 साल है एस सी के लिए 18 से 35 साल है सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया है आप पढ़ के नीचे जाओगे तो नीचे में देखो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है देखो यहां पे क्लिक पे क्लिक करोगे ना तो नोटिफिकेशन इसका खुल जाएगा डाउनलोड हो रहा है अभी देखो देखो ये खुल गया इसका नोटिफिकेशन देख रहे हो आप स्क्रीन में देखो यहां पे दिया हुआ है पोस्ट क्या है ये ऑफिशियल कस्टमर सर्विस एजेंट के क्वालिफिकेशन है बारहवीं पास या इसके ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं सैलरी भी दिया हुआ है आयु भी दिया हुआ है तो टोटल वैकेंसीज भी दिया हुआ है तो आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ के ही अप्लाई करना है अगर अप्लाई करना हो तो डाउनलोड करके पढ़ लेना हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है इसी तरह जितनी भी वैकेंसीज होंगी चाहे आप किसी भी स्टेट्स की होगी आपको उस लिंक पे क्लिक करना है वेबसाइट पे जाना है डिटेल्स को पढ़ना है इसके नोटिफिकेशन को पढ़ना है और फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के इस क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाओगे जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर आई जी प्राइवेट लिमिटेड की वैकेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिसको फॉलो करते हुए आप फॉर्म को भर सकते हो सबका अलग अलग होता है जितनी भी कंपनीज हैं सबका अलग होता है ये मैंने आपको पिछले एक दो साल में पहली जो प्राइवेट जॉब बताई है नहीं तो मैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स के ही अपडेट देता हूँ आपको क्योंकि गवर्नमेंट जॉब फेक नहीं होते हैं सरकार पे आपको भी भरोसा है ठीक है तो देखो अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है टिक पे देन अप्लाई नाव पे क्लिक कर देना है उसके बाद देखो यहाँ पे डेट बता दो हजार बाईस से बाईस लास्ट दो हजार बाईस अप्लाई करने का ना वो बाईस 22 22 और क्या बोलता है रिजल्ट कब आएगा तो पंद्रह दिन बाद आपको एग्जाम के रिजल्ट भी बोलते हैं हैं ये लोग दे देंगे चलिए नीचे चलते हैं। तो देखो यहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है यहां पे आपको टाइटल भरना है क्या आप मिस्टर हो मिसेस हो क्या समथिंग कुछ भी भर दो अपना नाम डालना यहाँ पे फादर नाम डेट ऑफ बर्थ नेशनलिटी आप इंडियन हो इंडियन ही डालोगे ठीक है मेल डालना है या फीमेल डालना है जो भी हो आप डालटेगरी सेलेक्ट कर लो क्या है आपका जनरल ओ बी एस सी ओ बी सी एस सी एस टी अदर्स ठीक है मैटरियल स्टेटस क्या है आपका सिंगल हो या फिर मैरिड हो डाल देना देन एग्जाम सेंटर कहाँ चाहिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारे सिटीज़ में तो आप उसको डाल देना अब इसको हटाओ कैसे क्योंकि यहाँ पर तो हट जा भाई चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया हट गया हु? नीचे देखो फिर आपको अपना एड्रेस डालना होगा यहाँ पे आपको देखो एडुकेशनल डिटेल्स भरना होगा टेंथ में क्या मार्क्स है ट्वेल्थ में क्या है ग्रेजुएशन किया है तो भरना नहीं किया तो मत भरना लेकिन टेंथ ट्वेल्थ तो पक्का भरना ही है क्योंकि वैकेंसी ट्वेल्थ पास की है नीचे जाओगे देखोगे यहाँ पे देखो आधार कार्ड के डिटेल्स भी मांग रहे हैं ये लोग फिर आपको यहाँ पे मेंशन सोर्स पूछ रहे हैं क्या हो आप तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेबसाइट से है कंसल्टेंट से है अच्छा आपको ये वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला है ये पूछ रहे हो ठीक है तो आपको मुझसे पता चला है तो मुझसे पता चला है तो कहाँ से मालूम करोगे आप सिंपली जॉब पोर्टल पे सेलेक्ट कर लो उसके बाद देखो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है सबमिट कर देना है इसके बाद ही फॉर्म और कुछ भी भरने के लिए पूछ सकता है तो ये सबमिट करने के बाद ही आपको पता चलेगा इस तरह आप सारे फॉर्म्स में अलग अलग मेथड से फॉर्म सिंपली इसी तरह भरना होता है तो वह आप समझ जाओगे अगर पढ़े लिखे हो तो समझ जाओगे ठीक है अब चलिए मैं आपको दूसरी वैकेंसीज बता देता हूँ तो हम आ गए हैं टेलीग्राम ग्रुप में आप जो भी हो कहीं से भी हो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर वेबसाइट पर भी कुछ वैकेंसीज़ आपको हम बता देंगे ताकि आपकी हेल्प हो पाए देखो हमारी वेबसाइट क्या है तो हमारी वेबसाइट देख लो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ आर देखो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया अगर आप एड्रेस बार में जाओगे तो ये टाइप करना आर हब डॉट इन देख लो एड्रेस पार है क्रोम ब्राउजर का किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार में जाओगे तो अगर शॉर्ट में आपको नाम याद नहीं रहता है रिक्रूटमेंट हब जैसे फेसबुक का होता है एफ वी डॉट कॉम उसी तरह रिक्रूटमेंट हब का शॉर्ट फॉर्म जो है वो है आपको आर हब डॉट इन आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यही वेबसाइट खुलेगी रिक्रूटमेंट हब खुल गई पहली वैकेंसी देखो क्या है तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी आई है लोक निर्माण विभाग से किसके लिए तो आठवी पास की वैकेंसी है यहाँ पे पांच हजार नहीं सात सौ है ये मिसप्रिंट हो गया नीचे ठीक है यहां पे बम्पर वैकेंसीज हैं सीधी भर्ती है कोई एग्जाम नहीं है फॉर्म फीस भी फ्री है कहा की वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश की इसके लिए केवल हिमाचल प्रदेश के ही लोग अप्लाई करेंगे अगली वैकेंसी देखो कहा की है अगली वैकेंसी है केंद्र सरकार की इसके लिए ऑल इंडिया से लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंपनी का नाम है सी एस आई आर सी एल आर आई और यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेट टेक्नीशियन व अन्य पदों पर जिसके लिए बी एस सी आई टी आई डिप्लोमा व पी जी डिग्री वाले अप्लाई करेंगे डिप्लोमा मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया लेकिन इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करेंगे सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है स्टार्टिंग में मिलेगी इन हैंड सैलरी तैंतीस हज़ार आठ सौ पचहत्तर रुपये से लेकर इकसठ हज़ार आठ सौ अठारह रुपये पर मंथ की ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल वक फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको पुलिस डिपार्टमेंट से है और इसका मुझे आपको पहले तो स्टेट बता दूं मैं यहाँ पर देखो आर्म पुलिस की वैकेंसी है कांस्टेबल की इसका स्टेट इस आपको बता देता तो हूँ सबसे पहले ताकि आपको अप्लाई करने में ईजी होगा ये महाराष्ट्र की वैकेंसी है देख सकते हो आप ठीक है यहाँ पे एक सौ आर्म पुलिस की वैकेंसी है जिसके लिए बारहवीं पास अप्लाई करेंगे लास्ट डेट है पाँच जून काफ़ी अच्छी वैकेंसी है महाराष्ट्र वाले अप्लाई कर देना ठीक है चलिए हम बैक चलते हैं अपने वेबसाइट पर चलो भाई बैक आ गया बैक, ठीक है अगली वैकेंसी है आर एस एम एस एस पी से लाइब्रेरियन के पोस्ट हैं चार सौ साठ लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं जिसके लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस वाले ही अप्लाई करेंगे सैलरी काफ़ी अच्छी है देख सकते हो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं चाहे किसी भी राज्य में रहते हो फॉर्म भर देना इसका जॉब मिलेगी राजस्थान में हुँ? चलो अगली वैकेंसी भी देखो राजस्थान से ही है ये भी ऑल इंडिया से दूसरे स्टेट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे 417 सीनियर टीचर की वैकेंसी है डिप्लोमा ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पे बी भी चाहिए होना चाहिए टीचर की वैकेंसी है बी मांगता है बॉस सैलरी काफी अच्छी है कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी एर से है भारतीय वायुसेना यानी कि एफकेट की, की वैकेंसी है एफकेट टू की और यहाँ पे 317 के अराउंड वैकेंसीज होने वाली है इंडियन एयरफोर्स कमीशनड ऑफिसर की जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट बी अप्लाई करेंगे सैलरी जबरदस्त मिलेगी कोई एक्सपीरियंस नहीं ऑल इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं इस लाइव में बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे या फिर बहुत लोग तो भाग जाएंगे ये सोचे कि सर हमारा जॉब बहुत टाइम लग रहा है बताने में तो मैं सबसे पहले लाइव सेशन है तो आपको लेटेस्ट जॉब्स को छोड़ के पहले मैं आपके सवाल लेता हूँ और आपको आपके स्टेट की जॉब बता देता हूँ वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तो चलिए अब हम मैं आपको आपके स्टेट की जॉब लेके बताता हूँ जॉब्स ठीक है तो चलिए हम देख लेते हैं पहला सवाल क्या है कौन पूछ रहे हैं अपने स्टेट का जॉब तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या क्या सवाल है आपके तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला सवाल है ना एक मिनट वेट अ मिनट हाँ तो पहला सवाल है हेमंत का है हाय हेमंत और आप पूछते हो हरियाणा रेलवे जॉब हरियाणा में फिलहाल कोई भी रेलवे वैकेंसी नहीं है उसके अलावा चार वैकेंसीज़ हरियाणा में है सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बता देता हूँ आपको हरियाणा में दसवीं पास के लिए पहली वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस से बम्पर चालीस हज़ार वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब लोकेशन हरियाणा भी रहेगा या फिर सारे स्टेट्स में इसका जॉब लोकेशन रहेगा आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो किसी भी कोने में रहते हो आपके पोस्ट ऑफिस में ही आपको जॉब मिलेगी अगर आपका हो जाता है तो पहली वैकेंसी है हेमंत आपके लिए पोस्ट ऑफिस की दूसरी वैकेंसी भी ऑल ओवर इंडिया के लिए है आप चाहे कहीं भी रहते हो भारत के किसी भी कोने में रहते हो तो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो वो आपको है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैं दिखला दूं आपको एसएससी सर्च कर लेना वेबसाइट पे जाके नाम मैंने दिखला दिया आपको स्टार्टिंग में तो देखो ये वैकेंसी दूसरी है इसके लिए 1920 पोस्ट है दसवीं पास बारहवीं पास ग्रेजुएट ये तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दसवीं तो अप्लाई करेंगे ही जो बारहवीं पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं बी ए है बी कॉम है बी एस सी है बी टेक है कुछ भी है फॉर्म भर सकते हो सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त है ऑल इंडिया वैकेंसी है कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और यहाँ पे गर्ल्स को फीस नहीं देना है बॉयज़ के लिए सौ रुपये की फीस है गर्ल्स का तो मुफ्त है तो गर्ल्स जरूर से अप्लाई कर सकती हैं मेल वफ मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं तीसरी वैकेंसी जिसके लिए हरियाणा वाले अप्लाई करेंगे वो वैकेंसी जो है वो आपको है यू पी नेशनल से डिफेंस एकेडमी दिखला देता हूँ आपको इसके लिए सर्च क्या करना होगा आपको सिंपली मेनू में जाना होगा इसको डिलीट करना है और टाइप करना है यू ठीक है दो वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हरियाणा वालों के लिए या फिर बोले तो आप चाहे भारत में किसी भी कोने में रहते हुए चारों वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो जॉब आपको आपके राज्य में मिलेगी हम्म देखो अगली वैकेंसी जो मैंने बताया यूपीएससी एनडीए से है स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पे 400 अराउंड 400 अराउंड नहीं 400 ही वैकेंसी फिक्स है 400 सौ है आर्मी नेवी एयरफोर्स में कौन अप्लाई करेंगे बारहवीं पास सैलरी छप्पन से स्टार्टिंग है स्टार्टिंग में ही साठ हज़ार की सैलरी आपको मिल जाएगी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑल इंडिया वैकेंसी है और यहाँ पे भी गर्ल्स का फीस मुफ्त है मतलब है गर्ल्स फ्री में अप्लाई कर सकती हैं कोई फीस नहीं देना है बॉयज़ को सौ रुपये का फीस देना होगा अगली वैकेंसी देखो यहाँ पे जो है वो आपको है यू पी इसके लिए भी भारत के हर कोने में रहने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं आप चाहे कहीं भी रहते हो आप इसका फॉर्म भर सकते हो जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले तो ठीक है चलिए देखो यहाँ पे थ्री थर्टी नाइन कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज की वैकेंसी है जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं सैलरी काफी अच्छी है ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप चलिए देख लेते हैं हरियाणा स्टेट में कौन सी वैकेंसी है तो इसके लिए हम जाएंगे नीचे कैटेगरी सेक्शन में कैटेगरी में आ गए देख लो यहाँ पे अब यहाँ पे हमको हरियाणा ढूंढना होगा हरियाणा कहाँ है तो हरियाणा यहाँ पे है देखो दिखा हम हरियाणा में चलेंगे और देखेंगे हरियाणा की कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं फ़िलहाल चार मैंने बता दिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडिया में आप चाहे कहीं भी रहते हो चारों वैकेंसीज का फॉर्म भर सकते हो जॉब आपको आपके राज्य में मिल जाएगी एन और सी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जहाँ डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको रखेंगे लेकिन पोस्ट ऑफिस में और एस में मिल जाएगी आपको आपकी स्टेट में ठीक है देखो हरियाणा में पहली वैकेंसी जो है वो आप तीस अप्रैल को जिसका लास्ट डेट पार हो चुका है हरियाणा में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है चार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो बता चुका हूँ उसके लिए अप्लाई कर सकते हो हेमंत अगली वैकेंसी ऋतिक बोलते हो हेलो हेलो के बाद क्या सवाल है वो तो बोलो अगला सवाल है चारवी ओझा का महाराष्ट्र की वैकेंसी पूछती है तो मैंने चारवी आपको चार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बता दी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो फॉर्म भर सकते हो अब हम चलते हैं महाराष्ट्र स्टेट में चलिए नीचे चलेंगे देन चलेंगे कैटेगरी के सेक्शन में कैटेगरी में आ गए हैं महाराष्ट्र ढूंढेंगे और ये देखो यहाँ पे रहा हमारा महाराष्ट्र हम इस पर क्लिक करेंगे और हमें शो करेंगे केवल महाराष्ट्र की जॉब्स तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहली वैकेंसी जो है महाराष्ट्र में वो एस की वैकेंसी है पुलिस की वैकेंसी है और यहाँ पे एक आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट हैं इसके लिए बारहवीं पास अप्लाई करेंगे महाराष्ट्र वाले अदर स्टेट के ना बाबा बस महाराष्ट्र वाले ही फॉर्म भरेंगे सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और केवल ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है बॉयज़ के लिए है गर्ल्स इसके लिए फॉर्म नहीं भरेंगी अगली वैकेंसी जो आपको है महाराष्ट्र में आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना आप अपने स्टेट का नाम अपने राज्य का नाम गांव सिटी टाउन का नाम नहीं स्टेट का नाम कमेंट कर दीजिएगा साथ ही अपना क्वालिफिकेशन कमेंट कर दीजिएगा आपको आपकी स्टेट की जॉब मैं बता दूंगा इस लाइव में तो देख सकते हो आप यहाँ पे महाराष्ट्र में दूसरी वैकेंसी है मोइल से कंसल्टेंट की पोस्ट है रिटायर्ड पर्सन के लिए सैलरी अच्छी है डिपुटेशन बेसिस पे ऑल इंडिया की वैकेंसी है अगली वैकेंसी देख जो है वो आपको है इसका डेट निकल चुका है आप देख सकते हो अठारह से बीस मई का था डेट निकल गया है कोई फायदा नहीं आपको नहीं बताऊंगा अगली वैकेंसी का डेट पच्चीस मई है ठीक है इसका फॉर्म आप भर सकते हो आठ मई को आया है एम बैंक से है महाराष्ट्र के लिए और यहाँ पे एक सौ पंचानवे ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर व कलर के पोस्ट हैं जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे सैलरी जबरदस्त है एक्सपीरियंस नहीं है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र में रहने वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं लास्ट डेट जो है पच्चीस मई है ठीक है चलो अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको है डी एन एस बैंक से ये भी बैंक की वैकेंसी है यहाँ पे इकतीस असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट हैं जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं सैलरी एज पर रूल्स है एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे लेकिन तो एक बार आप चेक कर लेना मुझे तो थोड़ा सा डाउट है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे महाराष्ट्र वाले ही अप्लाई करेंगे लास्ट डेट इसका तेईस मई है यानी ये परसों लास्ट डेट इसका ठीक चलो अगली वैकेंसी देखो ट्रांसको से है ये भी महाराष्ट्र की वैकेंसी है इसका लास्ट डेट बार देख लिया जाए चौबीस तारीख को ठीक है चौबीस मई दोस्तों तैतीस असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट है जिसके लिए बीटेक वाले अप्लाई करेंगे सैलरी काफी अच्छी है कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी आई है एम के डिपार्टमेंट से इसका डेट शायद निकल चुका है हाँ इसका डेट निकल गया बारह तारीख को तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये सारी वैकेंसीज हैं इसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है तो अगर आपके लिए कोई वैकेंसी थी तो आप उसका फॉर्म भर सकते हो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी खास वैकेंसीज है आप उसके लिए एक बार ज़रूर से देख लेना पोस्ट ऑफिस वाली का मैंने फ़ॉर्म फ़िलअप कैसे करना है उसका भी वीडियो बनाकर डाल दिया है चैनल पे तो आपको अगर फॉर्म भरना नहीं आता है खुद से भरना है साइबर कैफे जाने का पैसा नहीं है तो खुद से भी भर सकते हो घर में बैठे बैठे आप पोस्ट ऑफिस के फॉर्म भरने वाला वीडियो जो मैंने बना के डाल दिया है आप उसको देख लेना चैनल पे मिल जाएगा हुँ? चलो अगला सवाल हम देखते थे हेमंत मैंने आपको जवाब दे चुका हूँ बारहवीं पास की जॉब आपके स्टेट में थी तो मैंने बताया आपको यूपीएससी पी एस सी पोस्ट ऑफिस के लिए आप, आप एलिजिबल हो साथ में एसएससी के लिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में तीन वैकेंसीज आपके लिए है इंडिया पोस्ट देखो मैं देता हूँ एक बार फिर से आपको इंडिया पोस्ट आप इस वैकेंसी के लिए तो आप देख सकते हो इस पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सीधी भर्ती है बम्पर भर्ती है कोई एग्जाम नहीं है टोटल वैकेंसी है अड़तीस हजार नौ सौ छब्बीस पूरे भारत में आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जॉब लगने वाली है और यहाँ पे दसवीं पास अप्लाई कर सकते हैं हु? मैंने इसका फॉर्म भरना कैसे है उस पर वीडियो बना के डाल दिया है तो आप जरूर से इसका फॉर्म भर देना देख के चलो अगला सवाल जो है वो आपको है एम एल के बी नो का पता नहीं क्या नाम रखते हो आप लोग लेकिन इनका सवाल है कि वेस्ट बेंगाल जॉब बता दो सर चलिए हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी जॉब है तो हम चलते हैं नीचे कैटेगरी के सेक्शन में फिलहाल

वेस्ट बंगाल सरकार की वैकेंसी नहीं है केंद्र सरकार की पांच वैकेंसी है एक दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी भी ऐड कर लेना चूंकि है बारहवीं पास के लिए सैलरी काफ़ी अच्छी है ऑल इंडिया वैकेंसी है जॉब आपको दिल्ली में मिलेगी लेकिन आप भर सकते हो कहीं से भी चलो अगला सवाल हम देखते हैं अगला सवाल जो है वो है रमेश कुमार का बोलते हैं उत्तर प्रदेश की जॉब बताओ सर चलिए बताते हैं यूपी की कैटेगरी में चलते हैं पाँच वैकेंसीज बताया हूं मैं पहले भी दसवीं पास बारहवीं पास ग्रेजुएट बी टेक सबके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो कहाँ से हुआ उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश थर्ड लास्ट ठीक है चलो उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल वैकेंसी जो है वो आपको है यू से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है पी है पब्लिक सेक्टर यूनिक यहाँ पे पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी है कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे साथ ही पीजी डिप्लोमा होना चाहिए एच में सैलरी काफ़ी अच्छी है ऑल इंडिया वैकेंसी है कोई एक्सपीरियंस नहीं है अगली वैकेंसी यूपी बिजली विभाग से 125 एसिस्टेंट है एक असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है बी बी अप्लाई करेंगे सैलरी जबरदस्त है कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑल इंडिया की वैकेंसी है अगली वैकेंसी आपको यूपी में है पशुपालन विभाग से जिसका थमने लगा हुआ है उसी वैकेंसी का की बात कर रहा हूँ मैं ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की और यहाँ पे दो हज़ार मल्टीपर्पज़ ए आई टेक्नीसियन की वैकेंसी है और से, इसके लिए दसवीं पास बारहवीं पास अप्लाई करेंगे सैलरी बीस से तीस हज़ार की मिल जाएगी कोई फीस नहीं है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं देखो इसका एक्चुअली सैलरी बताया नहीं गया है तो क्या मिलेगी वो कोई बता नहीं सकता है ठीक है तो आप देख लेना नोटिफिकेशन चेक कर लेना सैलरी क्या है लेकिन ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार में आई हुई है अगली वैकेंसी देखो जो है उसका डेट निकल चुका है सैनिकपुर मैनपुर से इसका डेट नहीं निकला तीन जून तक है ये नया वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश में अगली वैकेंसी है सैनिक स्कूल मेनपुरी से यहाँ पे बीस टीचर व अन्य पदों पर वैकेंसी है जिसके लिए दसवीं पास ग्रेजुएट व वा बी वाले अप्लाई करेंगे सैलरी अच्छी मिल जाएगी एक्सपीरियंस नहीं है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद भी यूपी में बहुत सारी वैकेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे यू पी पी सी एल वैकेंसी है चौबीस कैंप असिस्टेंट की जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे सैलरी जबरदस्त है ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद ये वैकेंसी है और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ तो आपको वेबसाइट देखना होगा यूपी अच्छा चारवी ओझा बोलती है कि वो थर्ड ईयर में है महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र से हो तो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो उसके बाद मैंने महाराष्ट्र की बहुत सारी वैकेंसीज बताई स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके पास ऑप्शन जो अभी फिलहाल है वो है आपको पोस्ट ऑफिस यानी कि इंडिया पोस्ट सेकेंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिन आपको है यूपीएससी एन डी ए तीन वैकेंसीज का फॉर्म आप भर सकते हो चलिए अगला सवाल जो है वो आपको है निशा कुमारी का बिहार से देख लेते हैं बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी है वैसे मैंने आपको बता दिया है बिहार वाले पांच वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं इंडिया पोस्ट इंडिया पोस्ट एस एस सी यू पी एस सी एन डी ए यू पी एस सी सी डी एस देन आपको दिल्ली पुलिस इन पाँचों वैकेंसीज का फॉर्म आप भर सकते हो बिहार में फिलहाल क्या वैकेंसीज हैं चलिए देख लेते हैं तो बिहार में फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पाँचों वैकेंसी है फॉर्म भरना है तो भर सकते हो अगला सवाल लेते हैं अगला सवाल है सोनाली गुरंग का वेस्ट बॉल से ये और बोलती हैं बारहवीं पास वालों के लिए जॉब्स बता दें सर चलो स्टेट्स को हटाते हैं पहले बारहवीं पास की जॉब बताते हैं तो चलते हैं बारहवीं पास की कैटेगरी में तो आप देखोगे कैटेगरी सेक्शन में पहुंचने के बाद दसवीं पास की जॉब भी यहाँ पे है बारहवीं पास की भी है तो हमें देखना है बारहवीं पास का तो हम चलते हैं बारहवीं पास की लिस्ट में तो बारहवीं पास की पहली वैकेंसी जो है वो आपको एस आर बी एफ पुलिस की जो कि आपको है महाराष्ट्र की जॉब महाराष्ट्र वाले ही अप्लाई करेंगे और यहाँ पे बारहवीं पास की वैकेंसी है एक सौ पांच कॉन्स्टेबल के पदों पर आप अगली वैकेंसी बारहवीं पास के लिए है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज केन्जो केनोझार से यहाँ आपको वैकेंसीज हैं बारहवीं पास डिप्लोमा के लिए अठारह क्लर्क स्टीनो व अन्य पोस्ट पर अगली है उत्तर प्रदेश में दो हज़ार मल्टीपर्पज ए आई के पदों पर अगली वैकेंसी जो आपको है बारहवीं पास के लिए वो है केंद्र सरकार से यूपीएससी एनडीए से 400 आर्मी नेवी और एयर फोर्स ऑफिसर के पदों पर पोस्टिंग होगी आपके अगर पास कर लेते हो तो और यहाँ पे सैलरी जबरदस्त है साठ हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ऑन हैंड जॉब्स हुआ आपका सैलरी आपको मिली साठ हज़ार रुपये पर, पर मंथ की कम से कम कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑल इंडिया वैकेंसी और यहाँ पे फी भी नहीं गर्ल्स का बॉयज़ का है सौ रुपये देखो यहाँ पे प्राइवेट जॉब है आई जी आई एवियन से और यहाँ पे हजार पंचानवे कस्टमर सर्विस एजेंट के पोस्ट है जिसके लिए बारहवीं पास अप्लाई करेंगे सैलरी पंद्रह से पच्चीस है ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल वर्क में अप्लाई कर सकते हैं कल लास्ट डेट है जॉब मिलेगी दिल्ली में चलो खुल हूं, फिर से चलता हूँ नीचे देखता हूँ अगली वैकेंसी अगली वैकेंसी है आंगनबाड़ी से वीजी अंग्रम आंगनबाड़ी की वैकेंसी है बहुत टिपिकल नहीं मैं भाई पढ़ दिया एक बार हो गया यहाँ पे छियासी आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर के पोस्ट है जिसके लिए चौथी पास नौवीं पास व बारहवीं पास अप्लाई करेंगे जो सैलरी मिलती है एज पर रूल से सात हजार से ग्यारह हज़ार पाँच सौ की और फीस नहीं है नो एग्जाम है ठीक है मेरिट पे भर्ती की जाती है आंगनवाड़ी की अब वैकेंसी देखो बारहवीं पास के लिए है दिल्ली पुलिस में पाँच सौ चौवन हेड कॉन्स्टेबल के ठीक है सैलरी काफ़ी अच्छी है ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह आप देख लो यहाँ Army, को, SSC, को, पे इंडियन आर्मी देन आपको एस एस सी देन आपको बहुत सारी वैकेंसीज है आपको वेबसाइट पर आकर देखना होगा कि आप कौन से स्टेट से हो ये भी देखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की देख लो किसी भी स्टेट से हो चल जाएगा हुँ? अगला सवाल देखते हैं तो अगला सवाल है निशा पास है टेंथ पास का जॉब मैंने बताया है इंडिया पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन के वैकेंसीज है आप अप्लाई कर सकती हो ठीक है चलो फीस भी नहीं है एक रुपये फीस नहीं लगना आपका बस फॉर्म भर दोगी पोस्ट ऑफिस में एग्जाम भी नहीं होगा इंटरव्यू भी नहीं होगा अगर आपने टेंथ में अच्छा परसेंटेज लाया है तो फॉर्म भर दोगी फ्री में जॉब हो जाएगा एग्जाम के बिना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एग्जाम होगा वहां भी आपका फीस नहीं है लेकिन फीस माफी है गर्ल्स का आर्मी जॉब्स पूछते हो आर्मी जॉब्स है भाई आर्मी जॉब्स आपको देखना पड़ेगा कि वेबसाइट पे देखो आर्मी लिखोगे आर्मी इंडियन आर्मी लिखना वैसे मैंने गलत लिख दिया बोले भी नहीं तो लोग गलत बात है बताना चाहिए ना गलती लिख रहा हूँ चलो इंडियन आर्मी सर्च मारते हैं देखो तो पहली वैकेंसी जो आर्मी में है वो आपको इंडियन आर्मी से एक थर्टी सिक्स टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए बी बी के लिए छप्पन हजार सैलरी है स्टार्टिंग में ऑल इंडिया वैकेंसी है सैलरी नहीं है एक ये वैकेंसी है नौ जून इसका लास्ट डेट देख सकते हो आप अगली वैकेंसी यहाँ पे आपको 30 एलडीसी स्टेनोग्राफर मैन और अन्य पदों पर वैकेंसी है जिसके लिए दसवीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं सैलरी अच्छी है बाकी डिटेल तो आप देख लो इसी तरह आपको तीन चार आर्मी की वैकेंसीज है ये भी देखो आर्मी वैकेंसीज आपको आके बस सर्च कर लेना है सर्च में आके सर्च करना है वेबसाइट कर कर पे नाम मैं फिर से टाइप कर दे रहा हूं देख लो सब लोग नोट कर लो एड्रेस बार में जाओगे क्रोम के और ये नाम टाइप कर लेना arhab.in सॉरी अन हो गया ना in ये वेबसाइट का नाम है देख लो पूरा याद नहीं कर पाओगे शॉर्ट फॉर्म एड्रेस बार में डालना गूगल मत करना एड्रेस बार में डालना क्रोम के ब्राउजर के ऊपर वाले एड्रेस बार में जहाँ पे लिखते हो एड्रेस चलो अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है साहिब उद्दीन का ट्वेल्थ पास की जवाब बता दी हो भाई आप देख लो इस वीडियो को दोबारा देखने नहीं दिखाया तो साहब पूछते हैं मुझे ये बताओ आप ऑफिस अटेंडेंट का जॉब कैसा होता है ऑफिस अटेंडेंट का जॉब कैसा होता है भाई इसमें फ़ाइल इधर उधर करता है ना चाय कॉफी पिलाता है ना फाइल इधर से उठा के अलमारी में रहता तो, अलमारी से बॉस मांगता है तो उसको देता है वही ऑफिस अटेंडेंट है ऑफिस में जो काम करता है प्यो का टाइप का जो बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट ठीक है चलो थैंक यू साहब जी कॉम्प्लीमेंट के लिए देन देवेंद्र बोलते हैं हायर अरे आप अपना ही नाम के साथ अच्छा सर देवेंद्र बोरकर महाराष्ट्र अच्छा टिपिकल तरीका है बोलने का चलो ठीक है महाराष्ट्र की जॉब्स पूछते हैं दसवीं पास के लिए ठीक है तो महाराष्ट्र में मैंने आपको जो भी वैकेंसीज थी सबके बारे में बताया है पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा फिर से वैसे मैं आपको बता दूं इंडिया पोस्ट की वैकेंसी चालीस हजार अराउंड वैकेंसी उनचालीस हजार की कोई एग्जाम नहीं कोई इंटरव्यू नहीं टेंथ में जो भी परसेंटेज लाया है अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है तो फॉर्म भर देना हो सकता है चांसेस बहुत ज्यादा है चालीस हजार ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है ठीक है देन आपको पशुपालन विभाग क्या होता है लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट अब आप पूछोगे ये क्या होता है गूगल कर लीजिए जब हिंदी नहीं जानते हो इंग्लिश नहीं जानते हो तो मैं क्या बताऊ पशुपालन मतलब पशुओं को कैसे पालते हैं ठीक है उसका डिपार्टमेंट होता है वैकेंसी है ये गोल्डन सोनू सोनी पूछ रही थी ठीक है चलिए ठीक है हो गया ये देन रॉक स्टार वाओ शिवम पूछते हैं कहाँ मिलेगा लिंक कहाँ मिलेगा मेरी जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर लेटेस्ट वाला देख लो लाइव वाला नहीं नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोस उसमें आपको पहले कमेंट में अप्लाई लिंक होता है उस पर जाओगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे उसके बाद सिंपली ऊपर टिक करना या फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है देखो यहाँ मेनू का बटन है मेनू पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे होम है होम में देख लो क्या है होम टू में जाओगे तो थोड़ा और खुलेगा राज क्या खुलेगा देखो होम टू ऐसा है अच्छा होम टू कहाँ गया भाई होम टू में चलते हैं वेट मिनट होम टू में चलते हैं होम टू में देखो क्या है अरे कुछ मिस्टेक है यहाँ पे अभी हम रहने देते हैं लेकिन कल आपको दिखलाएंगे होम टू में क्या है कुछ गड़बड़ी है वेबसाइट में तो आपको इस वेबसाइट पे आना है उसके बाद सिंपली जो भी वैकेंसी सर्च करना है यहाँ पे आप सर्च नाम से भी कर सकते हो अगर नहीं आता है फिर भी कुछ भी आपको समझ में तो आप ऊपर से लेकर नीचे जाकर देख सकते हो फिर भी होता है कुछ आपसे तो सिंपली आप नीचे जाओगे रिसेंट पोस्ट आएगा उसके नीचे जाओगे तो देखो कैटेगरी का सेक्शन है दिखा यहाँ पे आपको दसवीं पास हो दसवीं पास का जॉब देख लेना बारहवीं पास हो बारहवीं पास का चौथी पास हो चौथी पास का लेकिन चौथी पास की जॉब्स बहुत कम होंगे होंगे तो ही दिखेंगे अदरवाइज नहीं होंगे ठीक है इसी तरह आप अपने ऑल इंडिया जॉब देखना वो भी देख सकते हो आप किस स्टेट में रहते हो उसका भी नाम टोटल आपको मिल जाएगा आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करना है और आपको अपने स्टेट का जॉब देखना है अगला सवाल हम लेते हैं लिंक कहाँ मिलेगा पता चल गया है सारी वीडियोस के पहले कमेंट में वीडियो का पहला कमेंट जानते हो ना नहीं जानते हो चलो दिखा देता हूँ यूट्यूब खोल के यूट्यूब पे जाओ चैनल देख लो मेरा रिक्रूटमेंट है का नाम भी देख लो आपने सब्सक्राइब किया है हटाओ मत भाई जाओ अंदर ठीक है देखो सपोज करो मैंने ये वैकेंसी डाली है दिख रहा आपको अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली अभी हम नए वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं तो आप थोड़ा ये देखो ये पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का है ना शो कर रहा है इस पर क्लिक करो देखो पोस्ट ऑफिस का मैंने फॉर्म भरना सिखाया है यहाँ पर अब इसमें आवाज़ आएगी ऐड आएगी क्या कहूँ इसको थोड़ा मैं साइलेंट करता हूँ आपको देखो सिंपली यहाँ पहला कमेंट पे जाना है अरे देखो यहाँ पे पिन किया हुआ कमेंट में क्या है अप्लाई लिंक है यहाँ मोर कर लोगे तो टेलीग्राम का ग्रुप है सब कुछ आपको सिंपली अप्लाई लिंक पे क्लिक करना अप्लाई लिंक पे क्लिक नहीं करना ये फॉर्म भरने का है ना वैकेंसी डिटेल्स का वीडियो अच्छा है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा एक मिनट ये फॉर्म भरने का वीडियो इसलिए डायरेक्टली आपको अप्लाई लिंक दिया हुआ है मैं वेट मैं आपको बता दूँ अभी चैनल पर आ जाइए सिंपली यहाँ जाइए थोड़ा सा नीचे चले जाना देखो कोई भी वैकेंसी पर आप क्लिक कर नीचे जाके थोड़ा पंद्रह दिन पहले से पंद्रह दिन पहले वैकेंसीज पे जाओ उसके बाद कमेंट्स पे क्लिक करो देखो पहला कमेंट क्या है पिन किया हुआ है देखो यहाँ पर अप्लाई लिंक है अप्लाई लिंक पे क्लिक कर दो अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे किसी भी यूट्यूब के वीडियोज़ पे क्रोम से खोल लेना हमारी वेबसाइट खुल जाएगी हम जो भी वीडियो बनाते हैं सबके कमेंट में उसको अप्लाई करने का लिंक दे देते हैं ताकि आपकी मदद हो पाए पैसे होते हैं पूछते हैं सर लिंक तो दिया करो अरे भाई देता हूँ हर सारे वीडियोज तो आप देखो नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे वेबसाइट को कृषि विभाग की सारे ग्रेजुएट की तो हम वेबसाइट पर पहुँचे समझ में आ गया कैसे जाना है सिंपली आपको वेबसाइट पे यूट्यूब के पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा वैसे अगर लेटेस्ट वीडियोस पे जाओगे ना अभी देखो मैं दिखाया देता हूँ वो भी आपको ना तो कंफ्यूज हो गए ये पंद्रह दिन पहले वाले वीडियोस पे जाओगे तो आपको उस इस वेबसाइट का जो कि देख रहे हो वो मिल जाएगी और अभी रिसेंट वेबसाइट पे जाओगे तो क्या आता है आप लोग बहुत कम लाइक करते देखो नौ सौ लोगों ने देखा है मात्र अड़तीस लोगों ने लाइक किया है कम से कम साढ़े चार सौ लोग लाइक करेंगे तो जजेगा आप उनको ठीक है तो लाइक थोड़ा ज्यादा किया करिए देखिए यहाँ पे अप्लाई लिंक थोड़ा अलग है मतलब दूसरी वेबसाइट का तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ भी आपको लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट मिलते हैं लेकिन सारे नहीं मिलेंगे रिक्रूटमेंट हर पुराना वेबसाइट है काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है अभी आपको अपडेट मिलते हैं टेबल फॉर्म में ठीक है यहाँ भी बहुत सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है बारहवीं पास के लिए सैलरी तीस हज़ार है दिल्ली पुलिस ड्राइवर की हु? तो यहाँ भी बहुत सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो बाकी आप थोड़ा ज़्यादा होशियार हो तो आप इसको टाइप कर लेना क्रोम में अगर नेट चलाते देते हो तो तो आपको हमारी वेबसाइट खुल जाएगी अगला सवाल देखते हैं बड़े बोलते हैं कि बारहवीं पास डीसी की वैकेंसी बता दो सर बारहवीं पास की मैंने जॉब बता दी है आप वेबसाइट पर आकर देख लेना आपको पता चलेगा ठीक है या फिर मैं वीडियो को देख लेना फिर से पोस्ट ऑफिस के लिए बताइए बताया हूँ पोस्ट ऑफिस की देखो पोस्ट ऑफिस का यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल के रखा है हूँ आपको यूट्यूब पे मैं दिखाया देता हूँ आप जाकर देख लो उसमें आपको पूरा वैकेंसी डिटेल साथ ही फॉर्म कैसे भरना है वो भी पता चल जाएगा थोड़ा नीचे जाओगे ना आप देखो वीडियो ये देखो दो सप्ताह पहले आया है पोस्ट ऑफिस में आई बम्पर वैकेंसी ये वाला वीडियो दिख रहा है ना तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला इसमें वैकेंसी डिटेल है और इसके देखो एक वीडियो ऊपर यहाँ पे ये वाला इसमें मैंने इस वैकेंसी का पूरा स्टेप बाय स्टेप नौ मिनट इकतीस सेकंड का वीडियो मैंने फॉर्म भर दिया है साइन अप किया है रजिस्ट्रेशन किया है देन आपको लॉग इन करके फॉर्म भर के दिखला दिया है इस वीडियो में तो आप देख के फॉर्म भर सकते हो इसको चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है आपको सचिन का सर उत्तर प्रदेश में बताइए उत्तर प्रदेश की जॉब बता दिया हूँ सचिन में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगला सवाल है दीप का गुजरात में बताइए गुजरात के लिए वैकेंसीज हैं स्क्रीन पे खुला ये वाला पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी पहली वैकेंसी दूसरी वैकेंसी स्टाफ में स्टाफी ग्रेजुएट की है गुजरात से बाहर जाके जॉब करोगे तो बारहवीं पास के लिए बाकी उसके अलावा चलिए देख लेते हैं गुजरात में आपकी स्टेट की वैकेंसी कौन सी है चलते हैं कैटेगरी गुजरात में तो आ गया जी जी में है गुजरात चलते देखते हैं गुजरात में कौन कौन सी वैकेंसी है तो गुजरात में फिलहाल वैकेंसी है गुजरात मेट्रो में कोई भी ग्रेजुएट हुआ डिप्लोमा के लिए सैलरी बारह हज़ार की है एक्सपीरियंस नहीं है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वैकेंसी देखो जो गुजरात में वो आपको है सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अप्रेंटिस की और यहाँ पे हज़ार अप्रेंटिस के पोस्ट हैं आई डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए एम कॉम वालों के लिए स्टिप एंड एज पर रूल्स मिलता है और फीस अन्य वैकेंसी है जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट बी अप्लाई करेंगे सैलरी मिलेगी आठ हज़ार से पच्चीस हज़ार की और यहाँ पे केवल महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको है जी से यहाँ पे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की पोस्ट है जिसके लिए डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वाले अप्लाई करेंगे सैलरी मिलेगी बीस हजार की और इसका लास्ट डेट इकतीस मई अगली वैकेंसी देखो जो है उसका डेट निकलना नहीं है अभी और ये वैकेंसी है यू जी वी सी एल से यहाँ पे छप्पन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पोस्ट है जिसके लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे और यहाँ पे नौ हजार की स्टिपमेंट मिलती है कोई फीस नहीं है कोई एग्जाम नहीं है क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप है बाकी सबका डेट निकल चुका है ये थी गुजरात की जॉब अभी और सवाल आ गए हैं देखते हैं क्या सवाल है तो अगला सवाल जो है वो आपको है निशा कुमारी कर पशुपालन से जॉब बताया तो पशुपालन विभाग की वैकेंसी मैंने बता दिया तो उत्तर प्रदेश की थी यूपी समथिंग था यूपी एक मिनट मैंने बता दिया लेकिन फिर भी आप पूछते तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है पशुपालन विभाग की वैकेंसी आपने शायद मेरा चैनल आप रेगुलर नहीं देखते हो मैंने पशुपालन पे पूरा वैकेंसी डिटेल्स क्या देखो ये वाली वैकेंसी है पशुपालन विभाग की बीस हज़ार मल्टीपर्पज़ ए आई टेक्नीसन के पोस्ट हैं दसवीं व बारहवीं पास के लिए ठीक है सैलरी मिलती है पाँच हज़ार दो सौ से बीस हज़ार दो सौ रुपये की एक्चुअली स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन इस लेवल की सैलरी मिलती है जनरली और यहाँ पे कोई फीस नहीं है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी है ठीक है निशा जी तो ये वैकेंसी थी अगला सवाल है दीप रजावत का गुजरात की वैकेंसी बता दिया हूँ रियो मंडी पूछती हैं सर झारखंड का कुछ है क्या हाँ है ना बहुत सारी है झारखंड में पाँच वैकेंसीज मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ केंद्र सरकार की नहीं जानते हो नहीं सुने हो लेट से ज्वाइन किया है लाइव को इस वीडियो के बाद देख लेना पांच वैकेंसी झारखंड में अभी है फिलहाल केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की बाकी झारखंड गवर्नमेंट की कौन सी वैकेंसीज है चलिए वो बताता हूँ झारखंड की कैटेगरी में चलते हैं झारखंड में आ गए हैं और भी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वैकेंसी है नौ सौ इक्कीस सैनिटरी सुपरवाइजर रेवेन्यू इंस्पेक्टर व अन पदों पर जिसके लिए ग्रेजुएट बीवीएससी व वा पीजी वाले अप्लाई करेंगे सैलरी अच्छी मिल जाएगी काफी जबरदस्त कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेल वक्त में दोनों अप्लाई कर सकते हैं झारखंड की वैकेंसी है लेकिन ऑल इंडिया से लोग फॉर्म जो दूसरे स्टेट के भाई देख रहे हैं वो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो लेकिन नोटिफिकेशन पढ़ के ही भरना अगली वैकेंसी देखो जो है वो आपको यूसील से है और यहाँ पे लास्ट ईयर जो है अभी है यूसील में आपको एक सौ तीस माइनिंग मेड ब्लास्टो अन्य पदों पर वैकेंसी है दसवीं बारहवीं पास के लिए सैलरी नहीं अच्छा मिलता है इस डिपेंड है यहाँ पे नौ हजार एक सत्तर रुपए का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑल इंडिया की वैकेंसी है अगला वैकेंसी को आपको और ये भी जे एस एस सी से यहाँ पे तीन सौ सत्तर ग्रेड ए जिसके लिए डिप्लोमा बी एस सी नर्सिंग अपलाई करेंगे अगला वैकेंसी और भी यहाँ पे है इसका डेट निकल चुका है तो ये तीन वैकेंसी थी झारखंड के लिए देन आपको पांच वैकेंसीज है सेंट्रल से गवर्नमेंट की झारखंड में अच्छा और भी सवाल आ गए भाई देख लेते हैं चलिए दीपक का हो गया है रियो मंडी पूछते हैं सर झारखंड बता दिया झारखंड का तो आपको दीपांकर दीपा दीपनाकर जो भी है पूछते हैं डी ट्रिपल एस पी एल डी सी कब आएगा देखो जब आएगा तब बताऊंगा पहले से नहीं बताऊंगा सरकारी नौकरी है जब सरकार से हवा चलेगी कि ये जॉब आने वाली है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सबसे पहले हम डेली लाइव आते हैं हाँ चांस किसी दिन मैं बिजी हो गया घर नहीं पहुंचा आठ बजे तक तो मैं लाइव नहीं आऊँगा क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए यूट्यूब चैनल पर भी लाइव रहता हूँ ठीक है तो जब भी आपको डी टिप्ल एस की वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा वैसे डी टिप्ल एस की बहुत सारी वैकेंसी आई थी अभी डेट है कि निकल गया ये मैं भूल गया हूँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ तो देखो डी टिप्ल एस में वैकेंसी अभी जो है वो है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है लेकिन यहाँ पे आई ग्रेजुएसन पी की है हुं? इसका डेट भी होगा मैं मतलब डेट क्या है लास्ट डेट नहीं इसका डेट निकल गया नौ मई को इसका डेट निकल गया ठीक है देख अगली वैकेंसी जो थी अच्छा सबका डेट निकल गया अभी फिलहाल डी ट्री पसपी की कोई वैकेंसी नहीं है देन अगर सवाल जो है वो आपको रूहानी गोयल का है रूहानी जी मैंने पांच वैकेंसीज बताई है केंद्र सरकार में बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसके लिए आप हरियाणा से फॉर्म भर सकती हो और इवन दो पोस्ट ऑफिस में और एस एस वैकेंसी में जॉब भी आपको हरियाणा के स्टेट में ही रहकर अपने घर के पास में ही मिलेगी आपके पोस्ट ऑफिस में मिलेगी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के लिए आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को शुरू से देखना आपको मालूम चल जाएगा पांचों वैकेंसीज के डिटेल्स बाकी मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा में आपकी कौन सी वैकेंसीज हैं फिलहाल चलते हैं हरियाणा में तो हरियाणा में देखो जो पहली वैकेंसी वो आपको डेट निकल चुका है फिलहाल अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है हरियाणा में पांच वैकेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपको फॉर्म भरना तो आप उनके लिए भर देना मैंने वीडियो में पहले बता दिया उस वैकेंसी के बारे में पांचों वैकेंसीज के बारे में तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना तो दोस्तों इस वीडियो में बस लाइव हम यही समाप्त करते हैं अब हम फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ और आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट तो देंगे ही साथ ही आपको आपके स्टेट के जॉब भी बता देंगे आपको करना है सिंपली थोड़ा सपोर्ट करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ जय हिंद वंदे मातरम